नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के बीच अब यहां पर हिंसा की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने ये आरोप लगाया है कि उनके काफिले पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया है और काफिले पर पत्थर फेंके हैं। वहीं उनका ये भी आरोप है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी जब वहां पर टीएमसी के लोगों ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी की। वहीं अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी जितनी भी कोशिश कर ले, जीतेगा तो बीजेपी ही। वहीं आसनसोल में मंगलवार यानी कि आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आसनसोल में 15 लाख मतदाता है। वहीं सेंट्रल फोर्स की 66 कंपनियों को यहां पर तैनात किया गया है। अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में तो यहां से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2021 में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। वह बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। वहीं टीएमसी ने आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है, जहां हिंदी भाषा की आबादी काफी ज्यादा है। बीजेपी ने आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पॉल को इम्मेदार जो है उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है और आज शाम 6:30 बजे तक लोग अपने वोटों का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।